तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये बनाने का आइडिया एक्चुअली आया मुझे जो द राइजिंग ऑफ हनुमान है उससे। उसमें मैंने देखा क्लोथ टेक्सचर जो हनुमान जी के ऊपर था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुझे लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा बनाना चाहिए, इसलिए मैंने ये ट्राई किया था। और ये मैंने काफ़ी पार्ट्स में बनाया तो इसलिए मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैं आपको उसका सेटअप दिखाता हूँ जल्दी से कि मैंने कैसे सेटअप किया है। ये हमने सर्कल लेके लगाया है, इस पर HDRI, ये बेसिकली क्लाउड के लिए है। मैं आपको मटेरियल टैब में दिखाता हूँ, ये क्लाउड जनरेट किया है मैंने। ये इसमें HDRI है, 8K टेक्सचर है जो कि मैंने डाउनलोड किया था कहीं से। इसे मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये सिस्टम को स्लो कर रहा है। इसके बाद आते हैं अपन रॉक्स पे। रॉक्स में अपने सारे मटेरियल लगे हुए हैं, ये भी मैंने डाउनलोड किए थे और रॉक का जो मॉडल है वो भी मैंने डाउनलोड किया था। इसे भी मैं हाइड कर देता हूँ। बाकी सब मेरा बनाया हुआ है। ये जो घोटा है ये हनुमान जी का, ये भी मैंने बनाया है और क्लोथ भी मैंने बनाया है। क्लोथ का जो बम्प मैप है ये डाउनलोडेड है और जय श्री राम फोटोशॉप से किया हुआ है। ये इसका पूरा सेटअप है। ये क्लोथ का नॉर्मल मैप बम्प, ये डिस्प्लेसमेंट क्लोथ का। मैंने डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर यूज़ नहीं किया क्योंकि वो उसे बहुत स्लो कर रहा था और इतना कुछ ज़्यादा दिखाने का ज़रूरत भी नहीं था डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मैंने ओनली बम्प से ही ये टेक्सचर निकाला है। ये जो जय श्री राम है ये थोड़ा एमिटेड भी है, इसमें एमिशन का यूज़ किया मैंने हल्का सा ताकि ये थोड़ा चमके। ये जय श्री राम का टेक्सचर फोटोशॉप से बनाया हुआ है और इसे कलर ग्रेड करके कलर निकाला हुआ है। ये जो मिक्स शेडर किया हुआ है ये किया हुआ है इसमें हल्की सी नॉइज़ के लिए। जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसमें, इसके लिए मैंने ये यूज़ किया क्योंकि ये नेचुरल नहीं लग रहा था। जब अगर अब मैं ये नॉइज़ एडिटर यूज़ नहीं कर रहा ब्लैक कलर के साथ इसमें, तो ये बहुत ही बोरिंग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये नेचुरल नहीं लग रहा है, जैसे बनाया हुआ सा लग रहा था। इसलिए तो ये क्लोथ का सेटअप है, ये क्लोथ की सेटिंग्स हैं। ये मैंने चेंज किया था, ये डिफ़ॉल्ट 013 आता है। मैंने इसका वेट कम किया था इससे ताकि ये थोड़ा सा अच्छा से कपड़ा उड़ता हुआ दिखे, क्योंकि ज़्यादा वेट रहता था ये बहुत ही स्लो हो रहा था। दूसरी मैंने जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है उसमें चेंज किया है, कॉलिजन में सेल्फ कॉलिजन ऑन किया है और इसे एक पॉइंट बढ़ाया है। और इसमें सबसे मेन थी ग्रेविटी ऑफ की मैंने, क्योंकि अगर ग्रेविटी ऑन थी तो मैंने इसमें विंड लगा रखी है फोर्स 1500। ग्रेविटी अगर ऑन थी तो ये उड़ तो रहा था लेकिन ये नीचे आ रहा था उसके साथ साथ और यहाँ आके इकट्ठा हो जा रहा था, इसलिए मैंने इसकी ग्रेविटी बंद की है। तो ये क्लोथ सेटअप है, मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगा। ये मेरा क्लोथ सेटअप है और ये घोटा है जो कि पूरा डिज़ाइन करा हुआ है ब्लेंडर में ही। अब ये इसके साथ जब ये बना के लगाया ताकि ये इससे ही कोलाइड करे, ये रेंडर में हाइड कर दिया है। बाकी क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ज्योमेट्री थी तो क्लोथ से बाहर निकल जा रहा था इसलिए। तो आई होप कि आपको ये सेटअप अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए।